आगे बेटा चलो भा। तुम बाहर कैसे आई हुई हो? दूर दूर दूर, उधर ही उधर ही उधर ही उधर ही इधर नहीं। सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। छप्पर आए हूँ यार, इनको खाना डालने ये पहले से ही बाहर निकली होती हैं। मैं चेक करूँगा कि आती कहाँ से हैं बाहर। दे रहा हूँ भाई, सबर कर लो सबर कर लो। यार चीखती बहुत है ये, कसम से देखो दोनों के दोनों। चलो पीछे लगेगा फिर तंग कर देंगे ये। खैर दोस्तों, तो अभी अभी मैं आया हूँ, आपने देखा सुबह मैंने मार्केट दिखाई, संडे की मार्केट लगी हुई थी, पर कुछ खास चीज़ें नहीं थी दोस्तों। ना कोई ऐसा खास फाइटर मुर्गे, ना कोई अच्छी चीज़, मतलब मुझे ऐसी नहीं लगी। सिर्फ एक चीज़ समझ आई थी जो आखिर में वीडियो मैंने लगाई हुई है, सुरखाब की। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थे दोस्तों, बहुत हसीन थे, पर उससे बनी नहीं बात। और एक चीज़ उसमें मुझे फॉल्ट नज़र आ गया था, जिस वजह से हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, छोड़ दिया। उनकी चोचें टूटी हुई थी दोस्तों, वीडियो में देखिएगा, चोचें सही नहीं थी, काफ़ी टूटी हुई थी, तो इस वजह से हमने मना कर दिया उसको और हम आ गए खाली हाथ वापसी। खैर ये बहुत भूखे हो रहे हैं, इनको पहले दाना पानी कर दूँ ऊपर वालों को सारों को, फिर नीचे वालों को भी देना है। हम लेट हो गए आज थोड़ा, तो जल्दी जल्दी कर देते हैं। तो दोस्तों इन्हें तो दाना पानी कर दिया है भाई, ये तो पानी में ही बैठी रहेंगी अब। यार सुबह मेरे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, इतना अच्छा मौसम हो रहा था, आप लोगों ने देखा जब हम जा रहे थे, ऐसा क्लास का मौसम हो रहा था दोस्तों, बहुत बादल आए हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे बारिश का मौसम। बिल्कुल अचानक ऐसा पलटा खाया मौसम ने कि देखें सीधा सर पे है धूप, बिल्कुल नीचे है, और हालत ऐसी कर दी है इसने मेरी इतनी सी देर में कि मैं पसीने में हो रहा हूँ पूरा। चलें दोस्तों नीचे चलते हैं और अपने जो असील हैं उन सेटअप को पूरा खाना आना दें भाई, काफ़ी देर हो गई है। बाकी मैंने एक काम और कर दिया है दोस्तों, जो हमारे यहाँ पे जंगली आ रहा, जितने कबूतर इधर इधर आके बैठते हैं उनके लिए भी पानी रख दिया है, चिड़िया जंगली कबूतर जितने भी हैं सारे के सारे। और ये भी डबल डबल इन्हें पानी मिल जाता है, क्योंकि पानी सारा ख़त्म कर देते हैं तो उधर चले जाते हैं, तो ये भी बेहतर रहेगा। खैर चलें चलते हैं नीचे, बहुत गर्मी है भाई आज। मैं नीचे आया दोस्तों, तो हमारे जो तोता है वो उछल कूद रहा था काफ़ी, तो ये देखें इसको पता नहीं क्या गुस्सा आ रहा था, फिर बाद में मेरी नजर पड़ी इनका पानी नहीं डला हुआ भाई। मैं जल्दी जल्दी में इसका पानी भूल गया डालना, मार्केट के चक्कर में जाने के चक्कर में। इनको तो मैंने सबको दाना पानी खाना सब कुछ कर दिया था, पर इनको पानी डालना भूल गया था। सॉरी भाई सॉरी, अभी दे देता हूँ, गुस्सा देखें कैसे हो रहा है। अभी लगे देता हूँ सर आपको पानी, आप तो सबसे पहले परिंदे हमारे, अभी ला दूँ। दोस्तों लोटीनो देखें हमारे हांडी में बैठे हुए होते हैं वो देखें, और घास भी ले गए हैं ये मेरे हिसाब से। हाँ यार हांडी में तो ले गए, घास भी लेके गए इनकी से, और खुद भी बैठे हैं, दुआ करें यार अंडे दे देंगे, मज़े आ जाएंगे। हेलो भाई तुम्हारा पानी खुश दोनों, हाँ लड़ते नहीं है, मानने पे तुला रहेगा उस बेचारी को। लो भाई इनका खाना पीना बना लिया है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज इनको दोस्तों दाना जो है हम वो शाम में दे दूंगा थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने इनकी डाइट चेंज करी हुई है थोड़ी बहुत, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और इनको खाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और हैं भी ज़्यादा। देखें कैसे बेचारे बहुत वो हो रहे हैं आज, बहुत लेट हो गए दोस्तों ये। खैर पहले ही लेट हो गए, अब ज़्यादा लेट नहीं करते, इनको ज़्यादा तरसाते नहीं है यार, खाना डाल दें, जानवर है बेजुबान है, बहुत भूखा हो रहा है। बाकी डाइट में माशाल्लाह सैलेड है। चलो इनको डालते हैं खाना। हाँ खा पी लिया, चले अब अंदर बंदो भाई, ये लड़ने लग गया हमारा जो पीला ड्रैगन है ना दोस्तों, बहुत खतरनाक हो गया है। मैं इसको अंदर खाना इसलिए नहीं डालना, मैं हाथ डालता हूँ ना काटने लग गया है, चोचे मारता है और कम नहीं है इसकी चोंच, लगा के निशान मार देती है मेरे, और हो सकता है फाड़ भी दे आती है। यार उसके बाल आ गए इसके कम रह गए, लेकिन पीले वाला जो है मैं गारंटी बोल सकता हूँ व्हाइट वाले से ज़्यादा खतरनाक जाए, शायद हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ आगे जाके, कुछ पता नहीं होता भाई, नसल है कि एकदम
कुछ और ही निकल आती है। तो खैर दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है पीले वाला ज्यादा खतरनाक निकलेगा। चलो बेटा, तुम्हारे बंद होने का टाइम है। अब हम खोलते हैं अपने हीरे को। अकेला ही खोलना पड़ता है, वरना ही आप लोगों को पता है खाता नहीं है, सारा मुर्गियों को बुला बुला के खिला देगा, खुद नहीं खाएगा कुछ भी। इसलिए पहले मैं इसको खोलता हूँ और फिर उन मुर्गियों को। और ये एक बहुत बड़ी तकलीफ होती है देसी पालने में, जो आप असील पालते हैं उसमें ये तकलीफ आपको उठानी पड़ती है। भाई इनको खोल दिया हमने, ये चारों खा पी लें आराम से, पूरे पोटे उटे भर लें अपने, फिर इनको बंद कर देता हूँ। और काला खान को दोस्तों मैंने अंदर ही खिला दिया। वो देखें यार, एक चीज़ काला खान की समझ नहीं आ रही है मेरे, इनके अंडे रुक गए हैं, वो 6 ही अंडे पड़े हुए हैं और वो तकरीबन पड़े हुए दोस्तों 5 से 6 दिन होने को आए, लगा लें हफ्ता हो जाएगा, अगर कल का दिन आज का दिन लगा हफ्ता निकल जाएगा पूरा। तो अब हमें ये लग रहा है अंडे ख़राब हों इससे पहले, तो उसका हमने एक इलाज सोचा है। अगर इसने कल तक अंडा नहीं दिया दोस्तों एक और, तो हम उन अंडे को अपने इंक्यूबेटर में रख देंगे। तो इसके अलावा कोई हल नहीं है, यही हल है हमारे पास। और आपको पता है अगर वो अंडे ऐसे ही पड़े रहे तो ख़राब हो जाएंगे, गर्मी की शिद्दत इतनी है, टेम्परेचर इतना हो रहा है कि क्या बताऊँ। तुम इससे लड़ने आ रहे हो ना, सब सच बता, ये इससे लड़ने आता है काले खान से। और मैं सच बताऊं दोस्तों, काले खान बहुत मारेगा इसे, क्योंकि काले खान को हमने देखा लड़ते हुए, काला खान ज़्यादा ख़तरनाक है। काले खान के आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लेंगे, इन्होंने अपने जो पूरे का पूरा ये जो है जगह क्या हालत की हुई। अबे तुमने खिड़की भी बना दी है दोस्तों, इतने खिड़की बना दी है पूरी की पूरी, ये देखें नीचे भी ऊपर भी। ये वाली तो मैंने देखी थी, ये वाली नहीं देखी थी, इसने नहीं बनाई है। तो ये भाई आराम से जब दिल चाहे यहाँ से झाँक लिया मुँह निकाल के, हाँ भाई क्या हाल है, पड़ोसियों की खबर लेते रहते हैं। चलो चलो बाहर निकलने का टाइम हो गया, बाहर चलो चलो चलो, एक एक करके सारे थोड़ा नहाओ दो फिर अंदर आएंगे। चलो जाओ, सब अब कदरे बेहतर हो गया दोस्तों। अरे इतनी लंबी डाई, इतनी लंबी डाई, चेक करते कितना लंबा उड़ी है। मैं बाहर आया हूँ और फिर धूप आ गई, वरना इतनी देर से बैठा हूँ छाँव थी, देखें फिर छाँव आ गई। चलो शुक्र है आई, तो देखें छाँव आ गई है। अब बादल आ जा रहा है, लेकिन यार हंस बहुत हो रहा है दोस्तों। भाई जल्दी जल्दी नहाओ, जल्दी जल्दी अपना काम करो तुम लोग। चलो 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 चलो, पकड़ना वहाँ से यार, भगाओ 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 भागेंगे उसको, तो उठा लो मुर्गे को उठा लो। अरे क्यों डर रहे हो, उठा लो उठा लो उठा लो उठा लो। चलो हम कुछ जाती है हमारी मुर्गी दफन करते नहीं निकालेंगे। मैं अच्छी खासी चीजें यहाँ नहीं, एक यहाँ पे दफन करा था, एक यहाँ पे बेटा कुछ भी नहीं निकालेंगे। जैकल को इधर करा था, इसका तो नाम ही मत लो, याद आता रहता है वो हर थोड़ी देर में। तो दोस्तों इनको बंद कर दिया, अब बहुत थक गया यार, आज काम बहुत ज़्यादा थे। और बाकी सुरखाब का मुझे बहुत दुख हो रहा है कि वो हाथ से छूट गई है, लेकिन एक चीज़ है उसकी चोंच टूटी हुई थी और नुकसानदेह था वो। तो खैर देखते हैं, आप किस्मत में नहीं था तो आज नहीं मिला। तो अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल घर में शौक को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय।